मैदान में चल रहे विकास कार्य का निरीक्षण और बैठक करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और नगर आयुक्त स्मार्ट सिटी के अधिकारी और तमाम सभासद द्वारा मिलकर यह बैठक निर्धारित की गई और शहर के समस्त समस्याओं जैसे गड्ढे वाली सड़क, सीवर सड़क निर्माण इत्यादि समस्याओं को दूर करने के लिए तथा स्मार्ट सिटी के बुनियादी सुविधाओं को नगर में सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा 6 वार्डों में यह बैठक सुनिश्चित की गई। संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, किस लिए बैठक की है आप? सर आज माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो स्मार्ट वार्ड का कार्य चल रहा है उसकी आज बैठक थी। सभी माननीय पार्षदगण मौजूद थे और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जो 5 वार्डों के हैं वो मौजूद थे। यह कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है जिसमें जो विशिष्ट वार्ड है टूरिज्म की दृष्टि से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जो हर तरह का पौराणिक ऐतिहासिक और हमारा टूरिज्म का महत्व रखते हैं उनका जीर्णोद्धार पूर्ण रूप से किया जा रहा है। जिसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज और उनका जो चौका का कार्य है वो भी किया जाएगा। फिर चौका सौंदर्यकरण भी दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी जो उस स्थल की महत्ता है उसके दृष्टि से। सर इसमें गरीब लोग की कुछ दुकानें इसके अंदर है, क्या दुकानें मिलेंगी कि नहीं इन लोग की? नहीं, क्योंकि वार्डों का डेवलपमेंट है तो वो तो जो संपर्क मार्ग है उनका डेवलपमेंट है और यूटिलिटीज का है तो किसी प्रकार का विस्थापन का स्कोप नहीं है। कोई भी दुकान रिलोकेट नहीं की जाएगी। अपना नाम पहले बताएं। मैं गोपाल यादव, पार्षद जंगम बाणी। ये किस लिए बैठक की है यहाँ पे? आज यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहे हैं 6 वार्डों में नगर में, उसके तहत यहाँ पे अधिकारी, स्मार्ट सिटी के अधिकारी और माननीय ये मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी और हम पार्षद जहाँ पे काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इसलिए हम भी आए और अपनी जो समस्याएं हैं, जो मानक हैं, जो जो हमारे वार्ड की हमारी जनता द्वारा जो दिक्कतें आ रही हैं, गड्ढा खन के खोल छोड़ दिया गया है और ये RTDS के तारों का जो निस्तारण न करके उसी के ऊपर ढलैया कर दिया जाएगा, भविष्य में पंचर की स्थिति में वो कैसे बनेंगे, यूरिनल की समस्या है, जगह जगह लोग पेशाब करते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए, कुओं की सफाई की व्यवस्था के लिए मैंने अपनी बात रखी है और आश्वासन दिया गया। हमको नहीं लगता कि हम लोगों की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन हमने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अपने वार्ड की समस्या को से अधिकारियों को रूबरू कराया। स्मार्ट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।